हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी इन फिगर 12.9। आपका दिया हुआ रेडियस और एंगल दिया हुआ है, बट आपकी बुक में जो इसका आंसर है काफ़ी लंबा दिया हुआ, मतलब कि शुरू किया स्टार्टिंग टॉप से, पेज के टॉप से, और ख़त्म किया पेज के बॉटम पे। तो इतना लंबा क्वेश्चन ये फालतू में किया है, इसका सोल्यूशन जो खाली आ सकता है आपके 4 लाइन में, इतने में आपका पूरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे लास्ट में निकाला हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसका आंसर लास्ट में कैसे आता है। तो हमारा गिवन है वो हमारा रेडियस है और एंगल है। तो हमारा एक फार्मूला आता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन था वो 2 लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आर कितना था, आर हमारा 21 था, तो हमने आर को लिया 21 का स्क्वायर, इसलिए 21 इंटू 21 अपॉन 2। हमारा पाई के वैल्यू में कितनी होती है, 22 अपॉन 7। एंड नीचे हमारा 180 है, वो इंटू 180। ऊपर थीटा हमारा कितना था, 120, तो थीटा हमारा हो गया 120 डिग्री है दोनों। ठीक, अब हमारी जो साइन की वैल्यू आती है, अगर हम साइन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो हमारी आएगी √3/2। ठीक, तो अगर हम इसे आप सॉल्व करते हैं तो जो आ जाएगी आंसर, वो हमारा आंसर आएगा कि 21 × 21/2। ये हमारा ख़त्म हो गया, 0 से 0 गया, 6 से हमारा ये गया 3 times और 2 times। ठीक, तो ये हमारा 22 × 2 हमारा 44/21 माइनस √3/2। हमने लिया इसका एलसीएम, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21 × 21/2। एलसीएम लिया मतलब यहाँ पे जाएगा 88 माइनस यहाँ पे गया तो होगा 21 √3। एलसीएम हमारा हो गया 42। ठीक, 42 हमने इसे यहाँ पे एक कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, हमारा 21 × 21/4 कॉमन लिया था, मल्टीप्लाई हो गया 88 21 माइनस √3/40 यहाँ पर 21 हो गया फिर से, क्योंकि हमने इसे 2 कॉमन ले लिया, तो ये 21 और ये 21 कट गया, तो हमारा आ गया फाइनल आंसर, हमारा हो गया फाइनल आंसर 21/4 × 88 माइनस 21/√3, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए पूरा आंसर था हमारा इतने में आंसर आ गया, बट जो एनसीईआरटी की किताब है उसने पूरा एक पेज ख़त्म कर दिया है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये क्वेश्चन आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा, और क्वेश्चन आपको आसान लगा या नहीं लगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए हमने सॉल्व किया इसे इतने में, और एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक को सॉल्व कर दिया, तो हमारा इसका आंसर निकल के आया है। तो आप आंसर मैच कर लीजिए, 21/4 88 माइनस 21√3, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लगाना भूल गया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हाल आपके इस क्वेश्चन का भी है कि क्वेश्चन आपका पूछा है कि जो ये कलर एरिया है इसका कितना एरिया बताइए आप। तो आपकी बुक ने एनसीईआरटी ने क्या किया है, पूरा क्वेश्चन शुरू किया है पेज के टॉप से और ख़त्म किया है पेज के बॉटम तक, बट इतना लंबा सोल्यूशन ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपका जो वाला आंसर था वो मात्र इतने में पूरा आंसर आ जाता है, इतना इन्होंने लाया है। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि वाली वीडियो आपको मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही जो आपकी बुक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन लंबे हैं सोल्यूशन एग्जाम्पलर में, वो आपको दे देंगे 4 लाइन में, इससे आपको एग्जाम में तैयार करने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको कौन सा चाहिए, किस चैप्टर का चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपकी जो हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।